दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ नवाबों के शहर में मोहम्मद शमी की कातिलाना गेंदबाजी देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान है। बल्कि खिलाड़ियों की पत्नियों ने मोहम्मद शमी की घातक गेंदबाजी को देखकर बयान देते हुए तारीफ के पुल बांध दिए। तो आखिरकार अनुष्का शर्मा और रितिका सजदे से लेकर अतिया शेट्टी और नताशा ने क्या कुछ कहा जिससे पूरे विश्व में मोहम्मद शमी का डंका बजने लगा। कैसे मोहम्मद शमी ने घातक गेंदबाजी कर लगातार दूसरे मैच में भी गदर मचाने के बाद टीम इंडिया को दिलाई यादगार जीत, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले, आप सभी को क्या लगता है मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह में कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज, कमेंट करके बताइए। दोस्तों, विश्व कप का 29वां मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच लखनऊ के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में दोनों टीमों ने जबरदस्त खेल का नजारा दिखाया। इंग्लैंड के कप्तान जॉश बटलर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा के पलटन को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन इंग्लैंड की खतरनाक गेंदबाजी के आगे भारत का पूरा टॉप ऑर्डर बहुत जल्द पवेलियन लौट गया। शुभमन गिल 9 और विराट कोहली बिना खाता खोले वापस चले गए। वहीं श्रेयस अय्यर ने भी एक बार फिर से टीम को निराश किया, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा मैदान पर डटे रहे और इंग्लैंड के गेंदबाजों के धज्जियां उड़ाते रहे। उन्होंने केएल राहुल और फिर सूर्य कुमार यादव के साथ बल्लेबाजी कर इंग्लैंड के सामने चुनौतीपूर्ण 229 रनों का लक्ष्य रखा। इस लक्ष्य का पीछा करने इंग्लैंड के ओपनर मैदान पर उतरे, मगर भारत की कातिलाना गेंदबाजी के आगे पूरी टीम घुटने टेक चुकी थी। पहले जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए भारत को शुरुआत में ही 2 विकेट दिला दिए और फिर क्या था, उसके बाद तो मोहम्मद शमी ने अपने स्पेल को शुरू करते ही टीम इंडिया को 2 और विकेट दिला दिए और टीम इंडिया इस मुकाबले में मजबूत पकड़ बना चुकी थी। और फिर कुलदीप यादव ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी और फिरकी के दम पर टीम इंडिया को यादगार जीत दिला दी। भारत की यादगार जीत को देख पूरा क्रिकेट जगत हैरान था। साथ ही इस जीत के साथ कई खिलाड़ियों की पत्नियों ने मोहम्मद शमी के शानदार प्रदर्शन को लेकर ऐसा बयान दिया जिसने जीत लिया करोड़ों भारतीयों का दिल। तो आखिरकार किस किस खिलाड़ी की पत्नी ने क्या कुछ कहा मोहम्मद शमी को लेकर, चलिए बताते हैं आप। विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि आज मैं मोहम्मद शमी की शानदार गेंदबाजी को देखकर बहुत खुश हूं। जिस तरीके से उन्होंने बेहतरीन नजारा दिखाकर टीम इंडिया को मैच में वापसी कराई है, दिल जीत लेने वाला मोमेंट था। शमी ने लगातार 2 मैचों में टीम इंडिया के लिए अहम योगदान दिया। दुनिया के सबसे महान गेंदबाज हैं मोहम्मद शमी, मुझे इन पर पूरा भरोसा है। वहीं टीम इंडिया ने इस मुकाबले को शानदार तरीके से जीता है और खिताब की तरफ आगे बढ़ी है टीम इंडिया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। वहीं रोहित शर्मा की पत्नी रितिका ने बयान देते हुए कहा कि भारत को जीत का विजयी रथ जारी रखने के लिए बहुत बहुत बधाई। आज के मैच में मोहम्मद शमी ने टीम के लिए अहम योगदान दिया। उनकी खतरनाक गेंदबाजी देखकर मैं बहुत खुश हुई हूं। उन्होंने टीम इंडिया को मैच में वापसी कराई, वरना भारत इस मुकाबले को हार जाता क्योंकि हमारे बल्लेबाजों ने कम स्कोर खड़ा किया था इंग्लैंड के बल्लेबाजों के सामने, लेकिन शमी ने पूरा मैच का रुख ही पलट कर रख दिया। वहीं हार्दिक पांड्या की पत्नी नताशा ने बयान देते हुए कहा कि टीम इंडिया ने इस मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की। मोहम्मद शमी ने टीम के लिए बेहतरीन गेंदबाजी कर जीत दिलाई। आज शमी अपने प्रदर्शन से करोड़ों भारतीयों का दिल जीत चुके हैं। स्टेडियम में बैठे दर्शकों के लिए वो एक बड़ी उम्मीद थे और उन्होंने उस पर खरा उतर कर दिखाया, क्योंकि टीम इंडिया ने कम स्कोर खड़ा किया लेकिन शमी ने इतिहास रच दिया और भारत को यादगार जीत दिला दी। वहीं केएल राहुल की पत्नी अतिया शेट्टी ने बयान देते हुए कहा, भारत की ऐतिहासिक जीत पर बहुत बहुत बधाई। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार का विश्व कप भारत के पास आने वाला है। मोहम्मद शमी को खतरनाक गेंदबाजी कर 4 विकेट लेने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर मोहम्मद शमी इसी तरह गेंदबाजी करते रहे, टीम इंडिया को खिताब जीतने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मोहम्मद शमी ने 2 मुकाबले में 9 विकेट चटकाकर पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया। शमी जैसा खतरनाक गेंदबाज पूरे विश्व में नहीं देखा। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे इन खिलाड़ियों की पत्नियों ने अपने बयान से करोड़ों क्रिकेट फैंस का दिल जीत लिया। दोस्तों, जीत के रथ पर सवार टीम इंडिया की गाड़ी में ब्रेक लगाते हुए इंग्लैंड ने दिया 440 वोल्ट का झटका, तो कप्तान रोहित ने अपने बल्ले की गरज से उड़ा दी अंग्रेजों के परखच्चे। आखिर कैसे गेंद और बल्ले के बीच जबरदस्त घमासान से इकाना स्टेडियम में लिखा गया नया इतिहास, कैसे इंग्लिश गेंदबाजों की पिटाई करते हुए रोहित शर्मा ने तोड़ा दुनिया का सबसे महान रिकॉर्ड, उनके साथ मिलकर किस तरीके से भारतीय बल्लेबाजों ने कराई है टीम इंडिया की वापसी, इस जबरदस्त रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित राहुल और जॉश बटलर में कौन सबसे लाजवाब बल्लेबाज है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।
दोस्तों टीम इंडिया अपना विश्व कप में जीत के रथ को जारी रखने के लिए इंग्लैंड के खिलाफ लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी काना स्टेडियम में मैदान पर उतरी। इंग्लैंड ने टॉस जीता पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और टीम के कप्तान रोहित शर्मा शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे। वहीं उनके सामने गेंद लेकर डेविड विली तैयार खड़े थे और उन्होंने अपने पहले ओवर में कप्तान रोहित शर्मा को एक भी रन बनाने दिया और यह ओवर मैदान चला गया। वहीं टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर आए क्रिस वॉक की गेंद पर शुभमन गिल ने शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका बटोरा और टीम का खाता खोल दिया। फिर उसके बाद रोहित कभी बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और वह डेविड विली की गेंद पर खतरनाक शॉट लगाकर दो छक्का और एक चौका जड़ दिए और इस ओवर में 18 रन बटोर लिया। लेकिन इस ओवर का बदला लेने के लिए क्रिस वॉक ने टीम के लिए चौथा ओवर लेकर आए और उन्होंने उस ओवर की आखिरी गेंद पर शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड कर पवेलिंग का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को पहला बड़ा झटका केवल 26 रनों पर लग गया। इसके बाद मैदान पर टीम को संभालने के लिए किंग कोहली आ गए और इंग्लैंड के गेंदबाज खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। रोहित शर्मा को खेलने में थोड़ा मुश्किल हो रहा था। टीम के लिए सातवां ओवर फेंकने आए डेविड विलियमसन ने अपने अंतिम गेंद पर विराट कोहली को बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और टीम इंडिया को दूसरा बड़ा झटका केवल 27 रनों पर लग गया। अब कप्तान रोहित शर्मा का साथ देने मैदान पर श्रेयस अय्यर आ चुके थे। इन दोनों ने मिलकर टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया और भारतीय टीम के स्कोर को पावर प्ले में 2 विकेट के नुकसान पर 35 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी देखकर लग रहा था कि वह इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना नहीं कर पा रहे थे और ठीक वैसा ही हुआ। उनके साथ उन्होंने 12वें ओवर में क्रिस वॉक की गेंद पर ब्रेन स्टोक को कैच दे बैठे और टीम इंडिया को 40 रनों के स्कोर पर 3 बड़ा झटका लग गया। लेकिन कप्तान रोहित शर्मा अकेले मैदान पर टिके हुए थे और अब उनका साथ देने के लिए केएल राहुल आ चुके थे। ये दोनों बॉल धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाने लगे और भारत के स्कोर को 50 रनों तक पहुंचा दिया। टीम इंडिया कछुए की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। भारतीय बल्लेबाजों को रन बनाने में बेहद मुश्किल हो रही थी। वह इंग्लैंड के गेंदबाजों को सामना कठिनाइयां उठाकर कर रहे थे। वहीं मैदान पर कप्तान रोहित शर्मा भी कई दफा इंग्लैंड के गेंदबाजों को गेंद पर बच गए, लेकिन वह मैदान पर इंग्लैंड के हर गेंदबाजों का सामना कर रहे थे और अपने बल्ले से धीरे धीरे रन भी निकाल रहे थे और टीम को बड़ी मुश्किल से बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वहीं मैदान पर केएल राहुल पूरी तरह से संघर्ष करते दिख रहे थे। उनके बल्ले से रन निकालना बहुत मुश्किल आ रहा था। इंग्लैंड के गेंदबाज खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे और बहुत ही कंजूसी से रन दे रहे थे। स्टेडियम में बैठे दर्शक भी भारत की बल्लेबाजी देखकर निराश हो गए क्योंकि भारतीय बल्लेबाज रन बिल्कुल भी नहीं बना पा रहे थे। मगर रोहित ने टीम की जिम्मेदारी को समझते हुए संभल कर बैटिंग कर रहे थे और उन्होंने टीम को 20 ओवर में 73 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं रोहित शर्मा ने 21वें ओवर की तीसरी गेंद पर राशिद को खतरनाक चौका लगाकर इंटरनेशनल क्रिकेट में 18,000 रन पूरे कर लिए और इसी के साथ रोहित शर्मा अपने आदर्श शतक के बेहद करीब पहुंच गए और वहीं टीम इंडिया के स्कोर को भी तेजी से आगे बढ़ाने लगे। लेकिन इंग्लैंड के गेंदबाज मार्क वुड से लेकर आदिल रशीद तक हर कोई शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहा था। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के लिए 40 रन से अधिक की साझेदारी पूरी कर ली। ये दोनों बल्लेबाज बेहद आक्रामक अंदाज में बैटिंग करने लगे और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। रोहित और केएल राहुल दोनों अच्छे लम्हे में आ चुके थे और रोहित शर्मा ने मार्क वुड की गेंद पर शानदार शॉट लगाकर 2 रन बटोर कर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके बाद रोहित शर्मा रुकने का नाम नहीं लिए और अगली गेंद पर उन्होंने शानदार छक्का जड़ दिया, जिसे देखकर स्टेडियम में बैठे सभी दर्शक हैरान रह गए। ये दोनों बल्लेबाज तेजी से रन बढ़ाने लगे और देखते देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को 24 ओवर में 3 विकेट पर 89 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं कप्तान रोहित शर्मा 69 गेंद पर 3 गगनचुंबी छक्के और 6 चौके लगाकर 57 गेंद पर बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं केएल राहुल 37 गेंद पर 1 चौके के साथ 19 रन बनाकर मैदान पर साथ निभा रहे थे। इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर यह लगने लगा कि टीम इंडिया 300 से अधिक आंकड़ा इंग्लैंड के सामने रखने में सक्षम होगी क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को आक्रामक अंदाज में बढ़ाने लगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी में दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज कौन है? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को।